नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ और कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा। इससे पहले भी मैंने कुछ कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग की थी, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक दे रखा है, अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप मत करना, नए कंपोनेंट लेके आया हूँ, ठीक है। और एक बात और बोलनी थी मुझे कि मैंने जितने भी कंपोनेंट परचेज़ किए हैं सारे ऑफलाइन परचेज़ किए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरा सेकंड चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे मैंने व्लॉग बना रखा है जहाँ से मैंने कंपोनेंट परचेज़ किए हैं, तो जाकर देखो, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप मत करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं, आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, ये अपने पास है ब्लूटूथ मॉड्यूल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो बात करें इसके प्राइस की, तो जो प्राइस है मेरे को 210 रुपये पड़ा है। तो इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है, दुकान वाले ने तो यही बोल के दिया है कि इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है, इसके साथ जो भी स्पीकर चलेंगे तो काफ़ी अच्छा बेस होगा और काफ़ी अच्छे आवाज़ आएगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया दे दो, तो मैंने उनसे परचेज़ कर लिया है। और इसकी बात करें क्वालिटी की, जिसमें आपको SD कार्ड, ऑक्स केबल और चार्जिंग और वगैरह वगैरह आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। तो ये जो हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल ख़रीदा था उसके साथ ये स्पीकर मैंने परचेज़ किए थे। तो स्पीकर की बात करें तो स्पीकर मेरे को 45 रुपीज़ पर पीस पड़ा है। तो बात करें इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी है, लेकिन हाँ काम चला हुआ है, मैंने इसे चेक करके देखा है, मैंने इसे परचेज़ करने के बाद घर पर आके इसे चेक करा है। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, और मैंने इसे ऑफलाइन ही परचेज़ किया। अगर आप इसका ऑनलाइन प्राइस पता करोगे और तो ये आपको 250 से 300 के बीच में पड़ेगा। तो मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसे ऑनलाइन परचेज़ करो, ठीक है, मैं तो ऑफलाइन ही परचेज़ करता हूँ। और जिसे भी कंपोनेंट परचेज़ करने हैं, लाजपत राय मार्केट जाना है, सबसे पहले मेरे सेकंड चैनल पर व्लॉग दे रखा है, वो जाके व्लॉग देखो कि मार्केट का हाल कैसा है, उसके बाद जाना मार्केट। तो वैसे भी 7-8 तारीख से बैटरी स्टार्ट होने वाली है, सुनने में तो यही आ रहा है। तो बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। तो ये अपने पास PCB बोर्ड है। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, PCB बोर्ड देखो 3-4 क्वालिटी में आती है, तो ये मेरे पास जो है सेकंड क्वालिटी है। फर्स्ट क्वालिटी एकदम बेकार क्वालिटी होती है, और सेकंड क्वालिटी नॉर्मल क्वालिटी होती है, और इससे बेस्ट वाली आती है वो सिल्वर कलर की होती है, तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। वो उसका जो प्राइस होता है वो 25 रुपीज़ पर पीस होता है, और ये जो मैंने परचेज़ किया ये 15 रुपीज़ पर पीस है, और जो लोकल वाला आता है वो आपको 5 से 10 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। तो इसे भी मैंने परचेज़ किया है, अभी तो मैंने सिर्फ 3 PC परचेज़ किए हैं, और नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो और भी परचेज़ करूंगा, और इस पर मैं जल्दी ही प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं। तो यार वीडियो पे बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। तो ये है 16x2 LCD डिस्प्ले है। तो इसका जो प्राइज़ है मेरे को 80 रुपीज़ पड़ा है, ऑफलाइन प्राइस बता रहा हूँ। अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ करना है तो 150 से 200 के बीच में आप किसी भी वेबसाइट पर मिल सकता है आपको ये। अगर आप सोचो कि आपको जो मैंने ऑफलाइन प्राइस में परचेज़ किया वो उस रेट में मिल जाए, तो ऑनलाइन वेबसाइट ऐसी कोई भी नहीं है कि जो आपको इस रेट में आपको दे सके। तो इसीलिए मैं ऑफलाइन परचेज़ करता हूँ, इसीलिए फ़र्क देख सकते हैं आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो यार इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। तो ये मेरे पास है 2 रिले मॉड्यूल है। तो रिले मॉड्यूल के बारे में बता दूँ तो ये इसमें जो रिले लगा हुआ है 10 एम्पीयर का है, और 28 वोल्ट DC है, देख सकते हैं। और बात करें इसकी प्राइस की, तो 45 रुपीज़ पर पीस है। मैंने सिंगल चैनल वाले लिए हैं, वहाँ पे उनके पास 2 चैनल 3 चैनल 4 चैनल 8 चैनल हर तरह के रिले थे उनके पास, तो वो काफ़ी थोड़े महंगे लग रहे थे मेरे को, मैंने इसलिए सिंगल परचेज़ कर लिया। बात करें इसकी क्वालिटी की, तो अभी मैंने इस पर प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। तो ये है IR सेंसर। बहुत से भाई ने मेरे को पिछली वीडियो में कमेंट किया था, भाई ये वाला सेंसर कितने का है और कहाँ मिलेगा। तो मैं बता दूँ, ये सेंसर का नाम IR सेंसर है, देख सकते हैं। मैंने 2 पीस परचेज़ किए हैं। बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस है 30 रुपीज़ पर पीस। तो इसकी बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, बहुत 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 बढ़िया है, क्योंकि इससे पहले भी मैं IR सेंसर ला चुका हूं, मैंने उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहां जाके आप देख सकते हैं वीडियो,
तो यार मुझे देख के बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब शेयर करना मेरे से कमेंट में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। तो ये है भैया कंटिन्यूटी टेस्टर। ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर है इसका जो प्राइस है ये है 15 रुपीज़, मतलब 50 रुपीज़ पर पीस है, 15 रुपीज़ पर पीस। और मैंने भी कंटिन्यूटी टेस्टर बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं आप। तो बात करें इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी है, क्योंकि इसमें जो छोटे वाले जो घड़ी वाले सेल होते हैं वो इसमें डलते हैं, तो वो मिलना बहुत मुश्किल है, तो एक ही बार इसमें सेल डल पाता है। तो बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। तो ये है LED। इसमें मेरे पास बहुत सारी तरह की LED है, इसमें मिक्स LED है, कलर्स आपको एक जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन इसमें ग्रीन और ब्लू कलर की LED है। तो इसका जो प्राइस है वो मेरे को 1 रुपये पर पीस पड़ा है, दुकान से मैंने परचेज़ किया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो कबाड़ी बाज़ार लगते हैं मैंने वहाँ से परचेज़ नहीं किया है, मैंने इसे शॉप से परचेज़ किया है। तो 1 रुपये की एक LED पड़ी है, तो मेरे को ये थोड़ा महंगा लगा, लेकिन मैंने परचेज़ कर लिया 100-150 पीसेस। तो मेरे को कुछ उन्होंने फ्री में भी दे दिए, मतलब कुछ डिस्काउंट भी दे दिया, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी इसकी, मैंने परचेज़ कर लिया। और ये मैंने लगभग 100 रुपीज़ के 200 पीस ख़रीदे हैं, तो 100 से 200 का मैंने ख़रीदा है, तो ये एक तरह से होलसेल का प्राइस हो गया। तो बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। तो ये है भैया मोटर पंप। बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से भाई मेरे को कमेंट करते हैं कि इस मोटर पंप की क्या प्राइस है, तो मोटर पंप की प्राइस बता देता हूँ। प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है अभी इस टाइम पर 45 रुपीज़ पर पीस है, और अभी कुछ दिन बाद, ये कुछ दिन पहले ये 50 रुपये 60 रुपये था, 60 रुपीज़ था, तो 10-5 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। और इसके साथ मेरे को 2 मीटर पाइप भी मिली है इसके साथ, तो मैंने इसे परचेज़ किया है, ये 10 रुपये मीटर के हिसाब से मैंने परचेज़ कर लिया, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर भैया। अब ये है फेबिक्विक बोलो या फिर बॉन्ड बोलो, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अगर आप इसके लोकल मार्केट में परचेज़ करोगे तो आपको ये 35 से 40 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिलेगा, तो मैंने तो इसे 15 रुपये पर पीस के हिसाब से ख़रीदा है, तो मैंने 2 ख़रीद लिए, मेरे को बहुत चीज़ें दो ज़रूरत पड़ती है। और आगे आने वाली वीडियो में इसका इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि फेविक्विक का इस्तेमाल ज़्यादातर बॉडी वगैरह बनाने के लिए, जैसे कोई चीज़ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी बॉडी पैनल वगैरह बनाने के लिए होता है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी कंपोनेंट की ओर। तो ये है IR LED का पूरा पैनल है, और इसमें बीच में सेंटर में देख सकते हैं ब्लू कलर की, तो यहाँ पे LDR लगा हुआ है, तो इससे भी रिलेटेड मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस जो है मेरे को ये 25 रुपीज़ पर पीस पड़ा है, तो मैंने एक ही परचेज़ किया है, तो इससे रिलेटेड और भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।